So Dr. P.L. Sclater divided the earth on like sitre. Okay, so Dr. P.L. Sclater divided the earth into 6 rings. Okay, on the basis of distribution of birds. समझ रहे हो? तो actually biogeography का मतलब क्या है कि organisms का distribution किस तरह से है. Okay, so that is why जो हमारा birds का distribution है कि नहीं, जो है birds का जो distribution है तो उसका क्या, उसके आधार पे डॉक्टर स्क्लेटर ने क्या किया, उन्होंने अर्थ को 3 कैटेगरीज में बांट दिया, 6 कैटेगरीज. ईच कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रीम्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड रीम्स, REALMS, रीम्स या रियाल्म्स, कुछ भी आप बोल सकते हो. ओके, तो इसीलिए बायोजियोग्राफी इसका स्टेटमेंट है. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको सपोर्ट किसने किया था. ओके, इट वाज लेटर आल्सो सपोर्टेड बाय अल्फ्रेड रसेल वैलेस. ओके, okay, it was also supported by Alfred Russel Wallace on the basis of distribution of animals. ठीक है, तो इसको रसेल वैलेस ने भी सपोर्ट किया. ठीक है जी, हाँ क्या बोल रहे थे बताइए, कुछ डाउट्स है? नो सर. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ये जो इवोल्यूशन है सो इसमें आपको देखना है कि हु इज हेल्पिंग यू इन गेटिंग द डिटेल्स. सो दैट इज व्हाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एविडेंसेस कहते हैं, बिकॉज यू हैव टू प्रूव इट, बिकॉज इफ यू डोंट प्रूव इट नथिंग इज, मैंने नोबडी इज गोइंग टू बाय द स्टोरी. इसलिए हमें साइंस में प्रूव करना पड़ेगा. एंड वो कौन प्रूव करेगा, एविडेंसेस. तो इसीलिए जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन अलग अलग तरीके का है, तो जो ये है हमारे स्क्लेटर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्थ को 6 रिम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड आपका बायो जियोग्राफी. नाउ तो अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको पहले से स्टोरी खींच के लाता हूं. फाइन, वी विल ट्राई टू सी इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट ए फोटोग्राफ, है कि नहीं, एक फोटोग्राफ घुसाने का कोशिश करेंगे इसमें. फिगर्स प्लस 1 इवोल्यूशन. तो रिसेंट कर देते हैं, डेट ये रहा. सो एक इस तरह से फोटो हम डाल देंगे. फाइन, तो अगर हम लोग ये फोटो देख रहे हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं, ठीक है जी, एट ऑल द लैंडमार्क्स आर टुगेदर. ठीक है जी, तो सारा का सारा लैंड मास इकट्ठा है. एंड एक और हम डिस्कस करेंगे जो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके, जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. अरे
क्यों आ गया? इसको कट, ओके, चलिए। सो अगर हम इसको देखें, सो एक्चुअली हियर व्हाट आर यू सीइंग? सो हियर यू आर सीइंग दैट देयर इज अ सिंगल लैंड मास, है कि नहीं? एंड व्हाट देयर इज, ओके, एक सिंगल लैंड मास एंड ए सिंगल ओशन, फाइन। तो उसी को, तो आपका जो सिंगल लैंड मास है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पैंजिया, पैंजिया। एंड जो सिंगल ये है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड पैंथालासा। तो वही चीज हम उधर लिख लेंगे। चलिए, तो विल डिस्कस हियर। तो एक्चुअली इन द बिगिनिंग, ओके, द लैंड masses, okay, in the beginning the land masses lied, okay, lied, yeah, scattered during, yeah, crust formation, and each piece was known as a tectonic, yeah, plate. Fine. This piece was known as a tectonic plate. ठीक है जी? तो इसीलिए सबसे पहले क्या था? लैंड अलग अलग हुआ. ओके, अलग अलग जो जहां बना वो वहां बन गया, और क्या? Tectonic plate. Okay. These plates used to move, okay, these plates used to move, and it formed a single, okay, large land known as kya, Pangaea, okay, and a single large super ocean known as Panthalassa. ठीक है जी? तो उसको हम Panthalassa बोलते हैं। तो one single large क्या super continent, okay, तो इसको हम super continent बोलते हैं, known as Pangaea, and a large super ocean known as Panthalassa. ठीक है जी? तो इसीलिए सबसे पहले ये अलग अलग था, फिर जुड़ गया, ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ? एक बड़ा सा मिला, ओके, सो अ बिग माने क्रस्ट वाज फाउंड, एंड दैट क्रस्ट इज नोन एज व्हाट? पैंजिया। पैंजिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? पैंजिया। नाउ विथ टाइम दिस प्लेट्स आर मूविंग, इवन नाउ दे आर मूविंग, ओके, तो इसलिए इवन नाउ दे आर मूविंग। ठीक है जी? तो ये हम लोग लिख सकते हैं एक छोटा सा थ्योरी, ओके, तो राइट, स्कैटर ड्यूरिंग क्रस्ट फॉर्मेशन, हाँ, तापर एक छोटा ब्रेक दबा, ओके, इधर एक पॉइंट लिखेंगे, सो सिंस टेक्टोनिक प्रोसेस, ओके, बिगन ऑन अर्थ between 3.3 and 3.5 Baia. Okay, the models build on the concept of continental drift, okay, an idea developed during the first decades of the 20th century. Theek hai ji?
सिंस नहीं, इसको सीधा टेक्टोनिक प्रोसेस लिख देते हैं। तो टेक्टोनिक प्रोसेस बिगेन ऑन द अर्थ की 3.3 to 3.5 बाया एंड इसको हम लोग चेंज कर देंगे एंड ड्यू टू ओके एंड ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आइडिया ओके कॉमा डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ एथिकी द जियो साइंटिफिक कम्युनिटी ओके एक्सेप्टेड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आफ्टर ये सब किस दफ्तर ने ओके इसको हटा देंगे सो टेक्टोनिक प्रोसेस की एंड ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आइडिया डेवलप ड्यूरिंग दिस ओके द प्लेट्स इसे हमें लिख देवा कॉमा दी प्लेट्स यूज टू मूव एंड इट फॉर्म्ड अ सिंगल लार्ज कॉन्टिनेंट नोन एज पांजिया ठीक है तो हम लोग को बाकी स्टोरी इतना लिखने का जरूरत नहीं है तो जो हमें चाहिए हम उतना लिख लेंगे नाउ तो ये जो मूवमेंट है तो ये कितना रेट में हो रहा है ओके फुल स्टॉप द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 0 to 10 millimeter एनुअली देख रहे हो मतलब अभी भी हमारा जो लैंड मास है वो मूव कर रहा है एंड द बेस्ट एविडेंस ऑफ इट इज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस है कि नहीं तो अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस इसका सबसे बढ़िया एविडेंसेस है ठीक है जी नाउ अब ये जो लैंड मास है हमारा दैट इज कॉल्ड पैंजिया ओके नाउ ये पैंजिया क्या है अब वो फिर टूटने लगा ओके इट स्टार्टेड ब्रेकिंग एंड व्हेन इट ब्रोक ओके तो जब ये टूटा तो ये क्या दिया सो इट प्रोड्यूस टू लैंड मासेस ओके कौन कौन सा बोलिए जो नॉर्थ चला गया उसको हमने बोला लॉरेशिया लॉरेशिया एंड जो साउथ चला गया दैट इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड तो जो द पार्ट विच रिमेन इन द नॉर्थ दैट इज कॉल्ड लॉरेशिया एंड विच वेंट डाउन वाज कॉल्ड गोंडवाना लैंड ओके ये जो थ्योरी है इसका आइडिया दिया था हमारे अल्फ्रेड वेगनर ने ओके तो अल्फ्रेड वेगनर ही गेव आइडिया ऑफ दिस थ्योरी ओके इसको हम लोग लिख सकते हैं इधर फाइन सो इन 1912 आपका अल्फ्रेड वेगनर डिस्क्राइब व्हाट ही कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ओके एन आइडिया दैट कल्मिनेटेड 50 इयर्स लेटर ओके तो 50 इयर्स लेटर आपका वो थ्योरी के रूप में आ गया ठीक है जी चलिए तो उसके बाद जो वेगनर का जो बुक था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन ओके तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बुक लिखा द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एक्चुअली आई शोड दैट वीडियो ऑल्सो इन स्कूल एंड वो पब्लिश भी हम लोग किए थे साइट पे बट वो कॉपीराइट में लग गया तो फिर हमें उसको हटाना पड़ा समझे कि नहीं सो इट वॉज देयर तो ना क्या बोल रहा अभिषेक पूरा ब्यूटीफुल वीडियो था चलिए सो आई थिंक हाँ नहीं म्यूजिकल वीडियो नहीं वो हमारा एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का वीडियो समझे कि नहीं लाइक दैट ठीक है जी तो इसीलिए ये जो हमारा है तो इसीलिए जो लैंड टूटा दैट वाज कॉल्ड द गोंडवाना एंड द लॉरेशिया ठीक है जी तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसलिए मैं एरा ढूंढ रहा था वो मिलता नहीं इतने आराम से सो द एक्चुअली वो वीडियो रे लिखा ही थला को एरा रे सेटा भांगिला कोनटा हैला एंड सो ऑन तो द पैंजिया बढ़िया वीडियो हां द पैंजिया ब्रोक ये मेरे पास वो वीडियो अभी भी है
बट वो पब्लिश नहीं कर सकते. तो द पैंजिया ब्रोक इनटू टू, ओके, टू लैंड्स. रिकॉर्डिंग बंद करके देखिए. हाँ कर सकते हैं टू, बिकॉज आप लोगों ने नहीं बताया इसलिए फिर मेरा मन टूट गया, इसलिए फिर मैं वो दिखाने का मन में भी नहीं हूँ. तो लाइक दैट द पैंजिया ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंट्स, ओके, टू लार्ज कॉन्टिनेंट्स. क्या क्या? नंबर ए है लॉरेशिया इन द नॉर्थ, ओके, एंड बी, ओके, एंड बी गोंडवाना लैंड, ओके, गोंडवाना लैंड इन द साउथ. ठीक है जी. तो इसीलिए ऊपर चला गया कौन? लॉरेशिया, एंड नीचे आ गया गोंडवाना लैंड. ठीक है जी. सो द पैंजिया ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंट्स, ओके, ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंट्स, लॉरेशिया इन द नॉर्थ एंड क्या, एंड गोंडवाना लैंड इन द साउथ. ठीक है, गोंडवाना फुल स्टॉप. फर्दर, ओके, फर्दर द फर्दर लॉरेशिया, या पहले गोंडवाना, गोंडवाना लैंड ब्रोक इनटू थ्री रीम्स, ओके, फर्दर गोंडवाना लैंड ब्रोक इनटू थ्री रीम्स. कौन कौन सा? नंबर ए, नंबर ये बी है ना, बी वन है क्या, बोलिए, दैट इज कॉल्ड नियो ट्रॉपिकल, ओके. नंबर बी टू है अफ्रीकन, ओके, अफ्रीकन. फिर बी थ्री है ऑस्ट्रेलियन. तो ये तीन रीम्स में टूट गया. फाइन, थ्री रीम्स में टूट गया, नियोट्रॉपिकल, अफ्रीकन एंड ऑस्ट्रेलियन. ठीक है जी. उसी तरह उसी तरह एक्चुअली ये पहले हुआ इसलिए मैं उसको बी लिखा हूं भले ही, बट दिस टुक फर्स्ट, उसके बाद नॉर्थ में अलग हुआ. तो फर्दर या सिमिलरली इधर लिख देंगे, सिमिलरली, ओके, लॉरेशिया, ओके, लॉरेशिया ब्रोक इनटू क्या, थ्री रिंग्स. बी ए क्या, ए वन इज पैलियार्टिक, ओके. नंबर बी टू इज कॉल्ड व्हाट, पैलियार्टिक, नियार्टिक, है कि नहीं, पैलियार्टिक एंड नंबर टू, इसको टू रिम्स कहेंगे, पैलियार्टिक एंड नियार्टिक. फाइन, तो पैलियार्टिक एंड नियार्टिक, मैं समझाऊंगा इसको कैसे याद रखना है, पैलियार्टिक एंड नियार्टिक. तो सुनिए इसका ब्रेकिंग कैसे होगा. नाउ नियो मींस न्यू वर्ल्ड, ओके, एंड ट्रॉपिकल मींस ट्रॉपिक्स में है. उसी तरह से आपका जो पैलियार्टिक है, पैलियार्टिक हम कैसे जानेंगे, हाउ विल वी रीड अबाउट इट, पैलियोस, ओके, पैलियोस का मतलब होता है क्या, पैलियोस का मतलब होता है ओल्ड, प्लस आर्कटिक का मतलब होता है आर्कटिक, ओके, नॉर्थ में है. तो इसलिए दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो आर्कटिक के पास है एंड जो ओल्ड वर्ल्ड को बिलोंग करता था,
उसको हम कहते हैं पैलियार्क्टिक। उसी तरह नियार्क्टिक का मतलब क्या है, आर्कटिक के पास जो न्यू वर्ल्ड में था। ओके, तो नियोस मतलब न्यू, क्योंकि एक्चुअली जो कोलंबस है उनके मैप में न्यू वर्ल्ड था ही नहीं, देयर वाज नथिंग बियॉन्ड द अटलांटिक। ओके, सो देयर वाज नथिंग बियॉन्ड अटलांटिक, समझ रहे हो। सो इसीलिए दैट इज वाई जो गोंडवाना लैंड है वो तीन हिस्सों में टूट गया। एंड सबसे पहले एक्चुअली एक साउथ अमेरिका भी है, एक है अंटार्कटिका, बट उसका जिक्र नहीं होता क्योंकि वहां कोई लाइफ नहीं है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दे मे आस्क यू इन इंटरव्यू दैट जब हम लोग रियाम्स बना रहे थे व्हाई अंटार्कटिका वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ रीम, जबकि वो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है एंड इट इज अ बिग कॉन्टिनेंट एंड विच ड्रिफ्टेड अवे फर्स्ट। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट किया किसने, आपका अंटार्कटिका, बट आप लोगों ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, है कि नहीं? ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन। जी सर, तो इसीलिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेल किधर कौन सा हुआ। ओके, तो लाइक दैट, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे दैट व्हाई, बताइए व्हाई यू आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट इट, माने अंटार्कटिका, व्हाई अंटार्कटिका, बिकॉज़ देयर इज नो लाइफ, सिंपल, क्योंकि जो हमारा रीम्स बनाया गया वो किस आधार पे बनाया गया, बोलिए, इट वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ बायोजियोग्राफी, बट इन अंटार्कटिका देयर वॉज नो लाइफ, सो टेक्निकली नो फ्लोरा, ओके, यस, देयर वॉज नो फ्लोरा, देयर वॉज नो फौना ऑल्सो, तो इसीलिए मैंने पहले तो हम जानते नहीं थे ना, जब स्केलेटन अंटार्कटिका कोई गया ही नहीं था, तो इसीलिए नोबडी न्यू अबाउट इट, ठीक है जी, सो नोबडी न्यू अबाउट इट, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया उसको